नेपाल के बहुत ही अच्छे लोगों, मैं आप सबको सलाम अर्ज करती हूँ। माशाल्लाह आप बहुत ही जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे को सुन रहे हैं। एक शाम जफर हबीबी साहब के नाम और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अपने भाई जिनकी आज शादी है, और मेयर इरशाद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शाहिद अली भाई जिनकी आज शादी है उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए मैं चार मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ, पढ़ती हूँ समाप्त फरमाएं। जी बड़े इरशाद वाता नवाजी। आज ताजा गजल सुनाऊंगी। हाय 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 क्या कहने, वाह 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 वाह। प्यार क्या चीज है बताऊंगी। आज ताजा गजल सुनाऊंगी। क्या कहने, प्यार क्या चीज है बताऊंगे। जो भी इस बात पर दिखाएगा। क्या कहने, जो भी इस बात पर दिखाएगा सारी दुनिया उसे घुमा। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे घुमाऊंगी सारी दुनिया उसे घुमाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं और मुझे लगता है नेपाल के लोगों से, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत तो देते हैं। लेकिन मैं एक गजल का मतलब चंद शेर आप तक पहुंचाती हूं, पढ़ती हूं समाप्त फरमाएं। वो मुझे देख कर क्या कहने, हाय 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 हाय। वो मुझे देख कर, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगा। क्या कहने, हाय हाय हाय। वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगा। फिर क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे नेपाल वालों को। पढ़ते हुए समाप्त फरमाएं। मुझे देख कर मुस्कुराने लगा। वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं ए भैया लोग, थोड़ा शांति का माहौल बना लीजिए। अभी आपको शेर, अभी अभी आपको शेर सुनना है, बैठ जाइए तो माहौल गड़बड़ा जाएगा। कम से कम एक घंटा नहीं तो 30 मिनट का आप मुझे मौका दीजिए। बहुत आप सुने, बहुत कुछ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्या कह रहे हैं आप, बैठ के सुने, पढ़ते हुए समाप्त फरमाएं। जी इरशाद पढ़ें, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए भैया लोग, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। अभी तो सिर्फ एक माहौल बन रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से आपको मैं आपके दिलों तक पहुँचूँ। पढ़ते हुए समाप्त फरमाएं। बात नजरों में कुछ यूं हुई। बात नजरों में कुछ यूं हुई। बात नजरों में कुछ यूं हुई। फिर मेरी वो गजल, फिर मेरी वो गजल गुनगुनाने लगा। वो मुझे देख के मुस्कुराने लगा। क्या कहने, मुस्कुराने लगा। भाई अच्छा, जिनको जो करना है ए भैया लोग, लड़ाई मत कीजिए भैया लोग, ए भाई लोग लड़ाई मत कीजिए भैया लोग। अच्छा उन्हें छोड़ दिए, आप लोग सुनिए, जिनको जो करना है वो करें। जिससे लड़ाई हो रही है छोड़ दीजिए, आप लोग अपने जगह पे बैठे रहिए। वो भी मत होश था,
मैं भी मत होश थी वो भी मत होश था, मैं भी मत होश थी आग पानी में फिर, आग पानी में फिर वो लगाने लगा। कहने मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं कोई ऐसा कलाम नहीं पढ़ रही हूँ जिससे आपको अपनी तहजीब भुलाना पड़े, आपको खड़े होकर सुनना पड़े। अभी तो एक माहौल बन रहा है, अभी मैंने कोई ऐसा कलाम नहीं सुनाया है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग बैठ जाएं, सुकून से सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगा, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगा, फिर इशारा हुआ, फिर इशारा हुआ पास आने लगा। क्या कहने, हाय 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 हाय, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने लगा, आप लोग शोर नहीं करेंगे, बस इत्मीनान से सुनेंगे। भैया लोग अभी सीटी कम बजाइए, तालियां ज्यादा बजाइए। अगर मैं 10 मिनट पढ़ के जाऊंगी तब भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कि चाची शबनम इंडिया से आई, बस 10 मिनट पढ़ के और चली गई। मैं चाहती हूँ आप लोग इत्मीनान से बैठ जाए, प्लीज आप लोग बैठ जाए। बहुत सारे कलाम ऐसे हैं जो मैं आपके बीच लेके आई हूँ स्पेशली नेपाल वालों के लिए, तो आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाए आप लोग। अब फोटो तो बाद में खींच लीजिएगा, आप जानते हैं मैं सेल्फी देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बैठ जाइए, जो बैठेगा उसे सेल्फी अच्छी सी मिलेगी। मैं चाहती हूँ आप सब बैठ जाए। वो भी मत हो, आप चांदनी शबनम को सुनना चाहते हैं क्या? आप चांदनी शबनम को सुनेंगे? जिसको सुनना है बैठ जाइए, अगर आप नहीं बैठते हैं फिर मुशायरे को यही खत्म कर दिया जाएगा। आप बैठ जाइए, आपको एक घंटा सुनना होगा, इंशाल्लाह चांदनी शबनम आपको सुनाएगी, लेकिन आप तहजीब के दायरे में, मुशायरे को खराब ना करें, आप तहजीब के दायरे में। अच्छा, नेपाल वाले कितने अच्छे, इतना पैसा लगा के इतनी तैयारियां करने के बाद मुशायरा 1 बजे खत्म कर देंगे, ये नुकसान किसका है? नेपाल वालों का है बिल्कुल। तो अभी 1 बज रहा है, आप लोग मुशायरे की कोशिश ना करें। बहुत सारा पैसा लगाया जफर साहब ने, जो शायर आपको पसंद आया उसे आप दोबारा सुनिएगा। चांदनी शबनम को कम से कम आप अच्छे से सुने, जिस तरह से आप हर बार सुनते हैं। तो अभी आप लोग घर जाने का माहौल ना बनाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस काम के लिए आप घर जाना चाह रहे हैं वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी मत होश था, मैं भी मत होश थी, वो भी मत होश था, मैं भी मत होश थी आग पानी में फिर, आग पानी में फिर वो लगाने लगा। क्या कहने, हाय 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 हाय, मुस्कुराने लगा। नेपाल वालों, भाई आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, संजीदा होके। ए पीली शर्ट वाले भाई, भाई सुनिएगा। चांदनी रात में चांद आया नजर, चांदनी भाई हेलो, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए आप लोग, ऐसे नहीं होता, बैठे। चांदनी रात में चांद आया नजर, चांदनी रात में चांद आया नजर, रोशनी बन के घर, रोशनी बन के घर जगमगाने लगा। वो मुझे देख के मुस्कुराने लगा, वो मुझे देख के मुस्कुराने। क्या कहने, आए हैं जिंदाबाद जिंदाबाद के साथ आप सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे नेपाल वालों को, आमीन। मैं ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं कर रही हूँ आप लोगों की कि आप लोग खड़े हो जाएंगे बहुत खुशी से, मतलब दाद देंगे तो थोड़ा सा मुशायरा लूज हो जाएगा। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त फरमाए। ओ मेरे हमदम, क्या कहने, आप मोहब्बत तो दीजिए मगर इतनी मोहब्बत ना दीजिए कि मैं डर जाऊं जी। ओ मेरे हमदम,
जफर साहब आए हैं वो मेरे हमदम। नेपाल के कितने खूबसूरत लोग हैं मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहे, पत्ते समाज फरमाए हमदम। ओ मेरे हमदम ओ दिलदार चलो नेपाल चलते हैं। हाय हाय मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं कि सामयिक ऐसे होते हैं जिनसे कहना होता है कि आप दाद दे, लेकिन नेपाल के लोगों को चुप करवाना पड़ता है कि आप खामोश रहें। मतलब कितने अच्छे सामयिक हैं पढ़ते समाज फरमाए। ओ मेरे हमदम ओ मेरे हमदम ओ दिलदार चलो नेपाल चलते हैं। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरे हमदम ओ दिलदार चलो नेपाल चलते हैं। हाय 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 हाय। ओ मेरे हमदम ओ दिलदार चलो नेपाल चलते हैं। वहीं पर खुल के करेंगे प्यार चलो नेपाल चलते। हाय 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 हाय। क्या कहने बाबा बाबा बाबा। ये प्यार चलो नेपाल चलते हैं। बस सुकून से अगर आप सुनेंगे तो मैं सुकून से सुनाऊंगी जी बिल्कुल। नेपाल की प्यारी वादी में आए हाय हाय सपनों का महल बनवाएंगे। क्या कहने नेपाल की प्यारी वादी में सपनों का महल बनवाएंगे। इस गम की दुनिया से निकलो वहां की खुशी के गाएंगे। नहीं करना नहीं करना ओ नहीं करना ओ नहीं करना तुम इनकार चलो चलो नेपाल चलते हैं। ओ मेरे नेपाल वालों के लिए अच्छी ऑफर है चलो नेपाल चलते हैं। वहीं पर खुल के करेंगे प्यार चलो नेपाल चलते हैं। क्या कहने ये गीत इतना पसंद किया जाता है कि हिंदुस्तान में हर मुशायरे में इसकी फरमाइश की जाती है। सोचिए हिंदुस्तान में नेपाल को लोग कितना पसंद करते हैं। समाज फरमाए सुंदर सुंदर वादी है। क्या कहने वह प्यार का दरिया बहता है। वह सुंदर सुंदर वादी है वह प्यार का दरिया बहता है। यहाँ पर आता है जाने को वो नहीं कहता है। वह सुंदर सुंदर वादी है वह प्यार का दरिया बहता है। जो शख्स यहाँ पर आता है जाने को वो नहीं कहता है। यहाँ मिलता ओ यहाँ मिलता यहाँ मिलता है सबको प्यार चलो नेपाल चलते हैं। हाय 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 हमदम ओ दिलदार चलो नेपाल चलते हैं। बस आज मुझे बतलाओ तुम क्या कहने बस आज मुझे बतलाओ तुम कब तक मुझको तरसाओगे। क्या कहने बस आज मुझे बतलाओ तुम कब तक मुझको तरसाओगे। महबूब मेरे एक मुद्दत से बस आज मुझे बतलाओ तुम कब तक मुझको तरसाओगे। हर बार फकत तुम कहते हो मुझे कब शॉपिंग करवाओगे। मुझे लेना ओ मुझे लेना ओ मुझे लेना एक हार चलो नेपाल चलते हैं। ओ मेरे हमदम ओ दिलदार चलो नेपाल चलते हैं। असल में ये नेपाल के लोग इसलिए तरपा रहे हैं, इसका कहना है कि हमसे न मिलना कभी आलम तन्हाई में, हम तो मर जाएंगे एक ही अंगड़ाई में। रश्क करती है बहुत घर की गरीबी मुझ पर, इश्क क्या खाक करे आज की महंगाई में। चलिए शुक्र है कम से कम नाजिम साहब ने कुछ बोला तो मुझे लगा नाजिम साहब बोलते तो हैं लेकिन शर्माते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊँ नेपाल में आने के बाद हर कोई खुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यहाँ नेटवर्क तो आएगा नहीं है ना, तो यहाँ पे सिर्फ होगा कि वहाँ मिलता है
सबको प्यार। चलो नेपाल चलते हैं। अब बताइए जावेद कलीम भाई भी यहाँ आके मुस्कुरा रहे हैं। बीच बीच में भाभी का फोन आता है मगर नेपाल में फोन तो आएगा नहीं। बस आज मुझे बतलाओ तुम कब तक मुझको तरसाओगे। हर बार फकत तुम कहते हो मुझे कब शॉपिंग करवाओगे। मुझे लेना है एक हार। चलो नेपाल चलते हैं। हाय 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 वहीं पे क्या कहने बाबू। चलो नेपाल चलते हैं। तक पहुंचाती हूँ प्यारा आप लोग सुन रहे हैं। पढ़ती हूँ समाज फरमाए मुझे बंगला गाड़ी दिलाओ तुम। क्या कहने हैं। अच्छा कुछ लोग डर गए हैं है ना इतनी बड़ी डिमांड मगर मैं पढ़ती हूँ समाज फरमाए मुझे बंगला गाड़ी दिलाओ तुम कब मैं ये तुमसे कहती हूँ। मुझे बंगला मुद्दत से ये आस लगाए बैठी हूँ। क्या कहने तुम कह दो ओ तुम कह दो फकत एक बार। चलो नेपाल चलते हैं। क्या कहने हमदम ओ दिलदार। चलो नेपाल चलते हैं वहीं पे खुल के करेंगे प्यार। चलो नेपाल चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेपाल वालों। मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आप इत्मीनान से सुकून से सुनेंगे तो बहुत सारा कलाम मैं आप लोगों के दरमियान पेश करके जाऊंगी। लेकिन आप जब घर जाने का प्लान बना लेंगे तो थोड़ा सा आप बहुत सारी चीजों से महरूम रह जाएंगे। जी बिल्कुल। पढ़ती हूँ समाज फरमाए मेरा महफिल में आना गजब हो गया। क्या कहने बिल्कुल नया कलाम मैं आपके दरमियान पेश करती हूँ। मेरा महफिल में आना गजब हो गया। शेर सब को सुनाना गजब हो गया। मेरा महफिल में आना गजब हो गया। शेर सब को सुनाना गजब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नेपाल में। मैं पहली बार ये कलाम पढ़ रही हूँ और शुक्रिया नेपाल वालों आपने मेरे इस नए कलाम को इतनी मोहब्बत दी इतना प्यार दिया। भैया एक बार तो बजा दीजिए ताली इस कलाम के लिए बजा दीजिए ताली। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते समाज फरमाएं खुशी से वो पागल कहे। अच्छा वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। क्या कहने वाह 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 वाह। हो न जाए खुशी से वो पागल कहे। हो न जाए खुशी से वो पागल कहे। उनके नजदीक जाना गजब हो गया। क्या कहने वाह 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 वाह। उनके नजदीक जाना गजब हो गया। शेर सबको सुनाना गजब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी शेर आप तक पहुंचाती हूँ समाप्त। क्या बताऊं कि मेरी तमन्ना है क्या। क्या कहने क्या बताऊं कि मेरी तमन्ना है क्या है क्या। गजब हो गया। क्या कहने वाह वाह। उनके घर आना जाना गजब हो गया। शेर उनको सुनाना गजब हो गया। हाय हाय। क्या कहने वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझसे कहने लगी मुझसे कहने लगी एक दिन
चांदनी क्या कहने मुझसे कहने लगी एक दिन चांदनी मुझसे कहने लगी एक दिन चांदनी चांदनी में नहाना गजब हो गया है 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 क्या कहने चांदनी शमशम जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 क्या कहने गजब हो गया शेर सबको सुनाना गजब हो गया